जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ दर्शन के लिए आए हैं और इधर पता हुआ कि रत्न भंडागर खोलने वाला है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अंदर में कितना ये जो ट्रेजरी है, जैसे अनंत पद्मनाभ में पता हुआ कि बहुत सारा ट्रेजरी है, इधर भी ऐसे ही बहुत सारा ट्रेजरी होगा। वो सब अंदर में हिसाब कर रहे हैं, हमको कुछ जानकारी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम सुन के, क्योंकि बहुत राजा गजपति महाराज इधर जो पालन किया है जगन्नाथपुरी को, बहुत सारा ट्रेजरी लाकर अंदर में रखा है। वो इतना ट्रेजरी है, जैसे राम वेश होते थे उस समय बता रहा था, बहुत सारा ज्वेलरी इधर डेकोरेट कर रहा था। और मैंने सुना था एक सोने का कारपेट उधर सिंह गर्भगृह से, जहाँ जगन्नाथ विराजमान है, उधर से एकदम सिंह द्वार तक ये सोने का कारपेट बिछाया जाता है। वो इतना सारा ट्रेजरी है, वो सब अंदर रखा है। तो 100 साल से ये रामवेश भी बंद कर दिया, क्योंकि इतना सारा ट्रेजरी को देखकर कुछ इन्वेडर्स आ सकते हैं, लेकिन अभी वो सबका हिसाब पता चलेगा हम लोग को। तो इसलिए मैं आंध्र से आया हूँ इधर जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा देखने के लिए। रथ यात्रा देखा हूँ मैं, और अभी कल बहुड़ा यात्रा भी हो रहे हैं। आज ये रत्न कारागर में, ये जो रत्न भंडार में जो हो रहे हैं, वो सब कैलकुलेशंस हो रहे हैं। और वी आर सो एक्साइटेड टू नो व्हाट इज देयर इनसाइड। ये बलराम जी से ये रक्षा करते हैं, सब बलराम जी रक्षा करते हैं रत्न कारागर रत्न भंडार को। हम सब थोड़ा वेट करने से पता चलेगा कि अंदर जो गया है वो देखने के लिए, वो सब हमको बताएंगे क्या है अंदर में। वी आर सो एक्साइटेड। जय जगन्नाथ। हम भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो, मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास भी इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, वो काम निपट जाए। वही आशा थी हमारी 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए खुलना चाहिए खुलना चाहिए, जो सरकार कर पात नहीं कर रहा था। आज भाजपा सरकार जो एक महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है, चार द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उससे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है। वो काम आज शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में हम भगवान की रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में सरकार के पास में है उसमें अगर काम नहीं निपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था भी किया गया है टीम को ला के। जैसा कि सुबह सुबह आज पूजा अर्चना की गई है और आलू का तंदूर के साथ बीच उसको फॉलो करते हुए यहाँ सारे कार्यक्रम किए गए, तो क्या क्या पद्धति रही और क्या? देखिए, भारतीय संस्कृति तो ये कहता है कि जमीन को अगर फाड़ना है तो यज्ञ करना है, पेड़ को काटना है तो उसको यज्ञ करना है, रत्न भंडार खोलना तो उसके भी काम करना है। पहले हमें भगवान के पास में निर्धारित करते हैं, जो भगवान का हमको निर्देश देते हैं वही काम हम करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो रत्न भंडार है उसका मालिक लोकनाथ जी है और अंदर जो विराजमान माता विमला महालक्ष्मी है, उन दोनों घरवाली जगन्नाथ जी बड़ा बलदेव जी की ओर से, शंकर की ओर से माँ सती विमला देवी है और जगन्नाथ जी ओर से महालक्ष्मी। तो ये तीनों के लिए हुए पावर को या तीनों के लिए हुए निर्देश के लेके रत्न भंडार को खोलने के लिए आज व्यवस्था किया गया है। प्रशासन की ओर से कुछ लोग हैं, कुछ पंडितों की में है, एक जो टीम बनाया गया उस टीम के माध्यम से पूजा भी हो रही है और रत्न भंडार खोलने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। प्राचीन आभूषण होने के अंदर संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या लग रहा है? वो बात तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम जो पम जानते हैं तो बताएंगे। जितना है उतना लोग देख रहे हैं, जो सालों भर तक भगवान के सोने की श्रृंगार हो रहा है, जो खुलने के बाद में मिलने वाला है वो 45 साल के नीचे खुला गया था, आज तो खुला नहीं। और मेरी उम्र फिलहाल 50 हुआ है, तो 5 साल के अंदर में मुझे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिरी सवाल, भक्तों के बीच में क्या उल्लास, किस तरह का उल्लास है, जैसा कि रत्न भंडार? देखिए, वक्त को इसकी इंतजार था और आज इंतजार अंत हो रही है, वक्त उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, रत्न भंडार कब खुलेगा। और प्रशासन भी पक्का वादा किया है कि रत्न भंडार आज खुलेगा और सरकार की ओर से विधि व्यवस्था में है कि रत्न भंडार खुलने वाले हैं।